कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज अयोध्या दौरा है। इस दौरान प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन नहीं करेंगी क्योंकि वो हनुमानगढ़ी से लखनऊ वापस चले जाएंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर हमारे संवाददाता आकाश शर्मा ने कांग्रेस नेता तनुज पुनिया से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय चरम सीमा पर है क्योंकि प्रियंका गांधी इस समय खुद मैदान में है और यहां पर वो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी ली हुई है। मतलब साफ है, आज प्रियंका गांधी 11 बजे अपनी यात्रा की शुरुआत करके अयोध्या पहुंचेंगी, लेकिन रामलला के दर्शन नहीं करेंगी, सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वो वापस लखनऊ आ जाएंगी। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कांग्रेस के नेता और बाराबंकी के प्रत्याशी तनुज पुनिया जी। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऐसा कार्यक्रम क्यों है प्रियंका गांधी का जो रामलला से दूरियां बना करके रखी हुई है। तनुज जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो है आज जो कार्यक्रम प्रियंका गांधी का, राम मंदिर हमेशा से मुद्दा रहा है कांग्रेस का और बीजेपी को घेरने के लिए, लेकिन आज रामलला के दर्शन ना करके सिर्फ हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वो लौट रही हैं लखनऊ, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो प्रियंका गांधी जी अयोध्या के अलावा हर जगह गई, वाराणसी सब जगह इलाहाबाद होकर के आई हैं, सब जगह उन्होंने दर्शन किए हैं। यहाँ पर भी वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करने जा रही हैं और वो रामलला के दर्शन करने जाती हैं नहीं जाती हैं, एक पहली तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है, एक हनुमानगढ़ी तो जा ही रही हैं, और दूसरा ये कि अगर वो रामलला के दर्शन करने जाएंगी तो कोई भरोसा नहीं है भाजपा वाले आरएसएस वाले, ये कितना बवाल करें कितना उसको उस पर राजनीति करें, तो राजनीति से दूर रहने के लिए वो आज सिर्फ हनुमानगढ़ी जाएंगे।